हेलो बच्चों बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, पिछले लेक्चर में। अब आज इस पर बात करेंगे कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत बढ़ाने वाला है। ये लेक्चर पूरा देखने की ज़रूरत है आपको, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल बोर मत होइएगा। और ये देखिए कि कैसे हम किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करने पे कैसे प्रॉब्लम चेंज होती है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। और उसका मैथमेटिकल फार्मूला है ई डॉट डी एस। ई जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल्टा एस एरिया वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा। थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो बच्चों देखते हैं कि कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो एक बहुत आसान सी प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि आपसे कोई ये पूछे कि कैलकुलेट, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, कैलकुलेट टोटल फ्लक्स। क्या कैलकुलेट करना है बोलो? टोटल फ्लक्स सिलेंडर, ठीक है। एक सिलेंडर से कितना पास हो रहा है, विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे करके लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ई आई कैप, ऐसे करके लिख दिया है ई आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिक्स, ये लिख दिया है, ठीक है। अब सिलेंडर रखा हुआ है कहाँ पर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है बच्चों, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे इसको हमने रख दिया है, ये ऐसे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हमने रखा हुआ है। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ये समझने की ज़रूरत है होती है। देखो बच्चों कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है, इस डायरेक्शन में है ई आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ये मान लीजिए कोई और एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ठीक है। इसके साथ ही जो है, अभी शुरू किया है बेटे, इसको आगे ख़त्म करते हैं। देखो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने। क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, ठीक है। देखो अब ये सिलेंडर जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है कुछ ऐसे, जैसे देखिए ये एक सिलेंडर है ऐसे, यू यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और उसमें ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, क्लियर है, बोलो बोलो, बिल्कुल सही। अब इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से करती है, हमें करना क्या है, टोटल फ्लक्स निकालना है कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये देखिए। तो देखिए कहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले तो हमने एरिया वेक्टर आइडेंटिफाई करना है। एक एरिया वेक्टर ये है, एक एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। इस वाले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ होगी, मान लीजिए डेल्टा एस, या हम कुछ एरिया वेक्टर ए ले लेते हैं, अभी फिलहाल ए है, और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। ये बात समझे आपके, नहीं समझे बोलो, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बोलो। मैं मार्कर देख रहा था बच्चों, ठीक है मिल गया। देखो ये देखिए ये सिलेंडर है, अब देखिए ये जो सरफेस है बॉटम, ये इसका एरिया वेक्टर यूं बाहर की तरफ है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर समझ पा रहे हैं आप, जैसे मैंने बनाया है इसका इधर की तरफ। अब देखिए ये कर्व सरफेस का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या कन्फ्यूजन है, आप सोचेंगे सर कि इसका एरिया वेक्टर, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो बहुत सारे एरिया वेक्टर है ना, इसका एक ही एरिया वेक्टर है, क्योंकि पूरा कर्व सरफेस, जैसे जैसे कर्व सरफेस, अगर हम कहें कि एरिया वेक्टर यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे जैसे देखिए इसका यहाँ इसका यहाँ, तो कर्व सरफेस जैसे अपने आप को बदल रहा है, किसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी वैसे ही बदल रहा है। तो कहने का मतलब कर्व सरफेस के साथ साथ चल रहा है, तो एक ही एरिया वेक्टर है पूरे कर्व सरफेस का। ऐसे तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं,
देखिए यहाँ 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 यहाँ, अगर कर्व सरफेस सब जगह सेम चल रहा है तो एरिया भी सेम है, उसी तरह से कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर भी एक ही लिया जाएगा। सरफेस देखिए यहाँ ऐसे है तो एरिया वेक्टर ये, यहाँ ऐसे तो एरिया वेक्टर ये, ऐसे बदल रहा है अपने आप को। क्लियर है बात? बहुत अच्छा समझे आप, बोलो। तो इसका मतलब ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, ये वाला कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर एक ही लिया जाएगा, ये ए कह लीजिए, ये ए। अब आप सोच रहे हैं सर सारे ए ए कह दिए आपने, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको कह देते हैं ए डैश कह देते हैं, इसका एरिया वेक्टर ए डैश है, डन। पर कुछ पढ़ना नहीं है, देखेंगे आप। अब देखिए जब आपने एरिया, तो पहला काम क्या है, एरिया वेक्टर आइडेंटिफाई करना है। अब इसके बाद जहां जहां एरिया वेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है उसी जगह पर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थीटा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बोलो। वेरी गुड, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ये है, थीटा कितना हो गया 180, तो समझ गए ना। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे है, तो थीटा कितना हो गया 90। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, जहां पहले एरिया वेक्टर बताए फिर वहां वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री। आप सोच रहे होंगे थ्री क्यों लिखा, एक ही फ्लक्स है, नहीं। देखिए इस कर्व सर, इस सरफेस से फ्लक्स, इस सरफेस का फ्लक्स और इस सरफेस का, तीन सरफेस हैं टोटल। इसमें कितने सरफेस हैं, तीन सरफेस हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, तो तीन फ्लक्स, वन टू थ्री, तीनों के बारे में लिखेंगे। तो मान लीजिए कि इसको हमने फाइ वन कह दिया, इसको फाइ टू कह दिया, इसको कर्व सरफेस वाले को फाइ थ्री कह दिया। तो फाइ वन क्या हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो, ई ए, ई ए कॉस जीरो, ई ए कॉस जीरो। इसका क्या हो जाएगा बोलो, ई ए कॉस 180। इसका क्या हो जाएगा, देखिए ई ए डैश कॉस 90। तो ये हो गया बच्चों ई ए, ये क्या हो गया माइनस ई ए, ये जीरो, माइनस कैसे कॉस 180, तो टोटल फ्लक्स कितना पास हो गया, जीरो। तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो। अब आप सोच रहे हो कि सर इसकी फीलिंग नहीं आई, बात समझ में नहीं आई, टोटल फ्लक्स जीरो का क्या मतलब है। देखिए कर्व सरफेस है, परपेंडिकुलर है, तो उससे तो फ्लक्स पास होगा ही नहीं, फील्ड लाइंस। यहां पर इसका मतलब यह है कि इससे जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड है, उतना ही फ्लक्स इससे इनवर्ड है, मतलब जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां एंटर कर रही हैं उतनी यहां से एग्जिट कर रही है। तो टोटल जो है उसके अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया जीरो है। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि जीरो फ्लक्स है, इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स है, करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम आसान सी प्रॉब्लम है, आपने समझ ली कैसे करते हैं, क्लियर है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो क्या होता सर, क्या यही आंसर होता है यूनिफॉर्म ना होने पर? तो आइए देखते हैं कि यूनिफॉर्म के ना होने पर क्या होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, एक एक चीज ध्यान से सुनिए। ये वो टॉपिक है कि जो आपने समझ लिया तो आपका कोई जोड़ नहीं, आपसे होशियार कोई नहीं, जो आपने ये समझ लिया, ये ऐसा टॉपिक है बहुत फायदा करने वाला आपको। देखिए ये भारत सरकार का भी बड़ा प्रिय है, हर बार क्वेश्चन पूछ देते हैं फ्लक्स का किसी न किसी तरह से। तो देखिए अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, उन्होंने कहा प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यूनिफॉर्म नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर टू, एग्जांपल टू करते हैं, क्या लिखा उन्होंने, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्या लिखा देखिए ध्यान से, ई इक्वल्स टू कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए अल्फा एक्स आई कैप, लिख दिया। अब तो प्राण निकल गए ये सुन के कि ये क्या है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले तो तसल्ली से ये समझ लीजिए कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे होने का मतलब क्या होता है। आई कैप का मतलब समझिए क्या है, आई कैप का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिल्कुल क्लियर है। एक्स होने का क्या मतलब है, जब एक्स लिख दिया इसका मतलब ये है कि एक्स बेटे जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है,
एक्स वन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन रखिए, अल्फा आई कैप है। एक्स टू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू अल्फा आई कैप है। मतलब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। और अल्फा, अल्फा कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 100, 200, कुछ भी हो सकती है। तो वो अल्फा कांस्टेंट है, उसकी कोई मतलब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ कुछ भी हो सकती है, वो हमने नहीं लिखी जानबूझ के। तो अब समझ गए ना, करेक्ट। अब इसके होने की वजह से अब ये प्रॉब्लम हमें अलग तरीके से सॉल्व करनी पड़ेगी। इसमें कुछ चीज़ें अभी हमें दी भी जाएंगी, जैसे एक्स लिख दिया है ना, तो वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि ये जो सिलेंडर है ना, सुनो बेटे सुनो सुनो, ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ 2L है, और ओरिजिन से ये वाला जो एंड है उसकी लेंथ L है, ये वाला जो एंड है इसकी लेंथ L है, करेक्ट। समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है और यहां से यहां तक की 2L है, तो लेंथ डिपेंडेंट है, x मतलब ये है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने कह दिया 2, इसको कह दिया 1, इस वाले सिरे को, एंड को, ठीक है। अब जरा देखिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो प्रोसेस वही है, पहले एरिया वेक्टर, पहले एरिया वेक्टर, पहले एरिया वेक्टर। अब एक नया काम और करेंगे भाई, ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान सुनने की जरूरत है, क्या जरूरत है बेटे, इस जगह पर, इस जगह पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी तो हम बड़े आराम से लिख दे रहे थे, क्या लिख दे रहे थे, ई लिख दे रहे थे, लेकिन अब ई नहीं है, अब क्या है, ई बोलो बोलो अल्फा एक्स आई कैप। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह, अल्फा फिक्स है, एक्स कितना है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, 3L, कितनी है 3L, L प्लस 2L, तो ये हो गया 3L अल्फा आई कैप। नहीं समझे, यूनिट लिखने यूनिट लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे कि x की वैल्यू, ये मतलब है आप इसके लिखे होने का, मतलब ये है। तो हमेशा याद रखने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि इस प्रॉब्लम कर रहे हैं तो यहां पर ये एक मतलब सदाबहार नोटेशन है कि x होने का क्या मतलब है, डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह, तो यहां जगह नहीं, मैं यहां लिख देता हूं E2, क्या हो जाएगा देखिए, अल्फा x की वैल्यू कितनी है यहां पर, L अल्फा L बोलो आई कैप न्यूटन पर कूलम, डन। तो x पर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो x यहां पर कितना है, ओरिजिन से कितनी दूरी है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, क्लियर है। चलिए फाई वन क्या है, फाई वन मैंने इसको कहा है, इसको फाई वन कहा है, वन लिखा है, इसको फाई वन कहा है, देखिए क्या हो जाएगा, ई बोलो 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 ई की वैल्यू कितनी है, बोलो ई की वैल्यू लिखते हैं क्या, 3L अल्फा बोलो इंटू ए, ई ए कॉस जीरो, ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, नहीं लिखेंगे ई ए, तो ई यहां कितना है, अल्फा एल इस जगह टू पर, देखिए इस जगह ई ए, ई ए कॉस 180, कैसे, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन तो अभी भी नहीं बदली, मैग्नीट्यूड ही बदल रहा है, और इसका फाई थ्री, यहां पर कुछ भी हो थीटा 90 है, तो ई ए डैस या कुछ भी डैस है कॉस 90, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, कर्व सरफेस का तो जीरो ही रहना है। अब देखिए सुंदर, 3L अल्फा ए माइनस बोलो बोलो L अल्फा ए, दिस इज 2L बोलो बोलो अल्फा ए, ये आंसर हो जाएगा फ्लक्स का। तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या वोल्ट्स पर मीटर भी लिख सकते हैं। अब समझ गए ना, अल्फा एल ए नेगेटिव हो गया, अब जीरो नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना, अब जीरो नहीं हुआ, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, पहले यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, यहां भी कांस्टेंट था, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, समझ रहे हैं बात को। तो ये कुछ और तरीके से करेंगे प्रॉब्लम ऐसा, तो हर बार हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया है, यहां मजाक नहीं चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स आई कैप लिख दिया और आप इस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं कि ये क्या चीज है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिखा था ई आई कैप, मतलब कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है लेंथ के हिसाब से। अब देखिए तीसरे तरह की प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, मैं इसको बच्चों तीसरे टाइप की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थर्ड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि फार्मूला ई डॉट डी एस है, ई ए कॉस थीटा है, तो इसमें देखिए कुछ सिचुएशन अलग तरीके से दे रखी है। क्या सिचुएशन दे रखी है देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वही लिखा हुआ है क्या, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कुछ अलग तरीके से दे रखा है, क्या 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये सिलेंडर की पोजीशन को देखिए ध्यान से, सिलेंडर कुछ ऐसे रखा है कि ये वाई एक्सिस है बिल्कुल सेंटर पर, बिल्कुल मिड में रखा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल मिड में रखा है। इसके इस तरफ एक्स एक्सिस में इस तरफ देखिए, इसके इस तरफ एक्स एक्सिस में आई कैप ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। क्या मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए इस पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है, मतलब इधर की तरफ है आई कैप, क्लियर है बात। और ये समझ गए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है जीरो। अब दे रखा है कि x लेस देन जीरो मतलब x लेस देन जीरो, ये x लेस देन जीरो पोर्शन हो गया और ये x लेस देन, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है माइनस 200। तो माइनस का मतलब क्या हो गया देखिए, माइनस का मतलब क्या हो गया कि माइनस देखिए x लेस देन जीरो के लिए माइनस 200 मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब माइनस आप सोच रहे हो कि सर किस तरफ होना चाहिए माइनस है, लेकिन x लेस देन जीरो के लिए तो वो माइनस एक्स एक्सिस पे, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ओहो आप थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए, 200 माइनस आई कैप ऐसे है ना, तो ये किधर है माइनस एक्स एक्सिस पर है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया इस तरह। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा जीरो, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा जीरो, ये देखिए कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो थीटा कितना हो जाएगा 90। अभी क्लियर है। तो ये अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कि 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम एक्स लेस देन जीरो, ये अलग तरीके से दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि अब टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, सपोज दिस इज फाइव वन दिस इज फाइव टू एंड दिस कर्व सरफेस इज फाइव थ्री। लेकिन अब इसमें क्या होगा देखिए, ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है लिखने की जरूरत नहीं, इसमें क्या लिखेंगे ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90 कर्व सरफेस के लिए, ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई ए, बात समझ गए। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो लिख देंगे और ए की वैल्यू जो हमें दी जाएगी वो लिख देंगे, मतलब कहने का समझ गए ना इसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया है 200 आई कैप इस तरफ, तो एरिया वेक्टर भी इस तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी, माइनस 200 आई कैप मतलब माइनस एक्स एक्सिस है और माइनस ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ई की तरफ है, समझ गए ना, माइनस ही एक्स एक्सिस है माइनस ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरफ, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फिर भी थीटा जीरो हो गया, तो थीटा जीरो कॉस जीरो मतलब ये थीटा जीरो कॉस जीरो कितना हो गया वन, फिर से वही, तो दोनों ऐड हो जाएंगे जहां पहले कभी सब्ट्रैक्ट होते थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ था इस तरफ। तो ये तीसरे तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है बात। अब देखिए अगर ये प्रॉब्लम एक और तरीके से दी हो तो कैसे करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करना है बच्चों, पेशेंस रखिएगा कैसे हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट तरीके से देखें तो कैसे की जाएगी, देखिए इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कभी कभी दे देते हैं कैसे, इफ अब की बार मैं बिल्कुल अलग तरीके से, दिस इज एग्जांपल नंबर 4, इफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सुनिए कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या कह रहे हैं 3a प्लस 2bx आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और कहता है कि वेयर ए की वैल्यू
10 है और b की वैल्यू 20 है विद सम यूनिट्स, पर मैंने अभी यूनिट्स नहीं लिखी है। डन, ठीक बात है। और वही सिलेंडर है, क्या सिलेंडर है देखिए, दिस इज बच्चों क्या वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। अब यहीं पर सिलेंडर वैसे ही रखा हुआ है, कैसे रखा है देखें, जरा देखिए कैसे रखा है। ये सिलेंडर का जो पोर्शन है बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, ये करेक्ट, ये सिलेंडर है। यहां से ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है और ये टोटल जो है ये 2 मीटर है, करेक्ट। ये देख रखिए, अब की बात टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, समझे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है, उधर यूनिट भी नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा ए बी 3a + 2b xi के, और सिलेंडर दे दिया वैसे ही। अब कैसे करेंगे समस्या, कोई डरने की बात नहीं, आसान है। आप अपनी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी जो बताई थी मैंने उसी को फॉलो करिए। क्या पहले निकालिए क्या एरिया वेक्टर, कि सर मैं तो बहुत आसानी से सवाल समझ रहा हूं, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये हो गया, बिल्कुल सही। इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो जाएगा, ए डैश कह लो, ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप एक्स एक्सिस में ही है, तो इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है से E1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है से E2, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है से E3, मतलब सब जगह हमने ये क्या कैसे कैसे बना दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है। बोलो, अरे बोलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब जगह सेम है, क्लियर है। अब देखते हैं, ये दिया होना बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, सुने बेटे, इस पॉइंट पर, इस जगह पर, इस जगह पर अगर कोई आपसे कहे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E की जनरल वैल्यू है 3a 2bx, 3a 2bx, 3a 2bx, 3a 3a a कितना है 10, 30, 3a 2 10 30, 2b b कितना है 20, तो कितना हो गया 40, तो प्लस 40 x की वैल्यू यहां पर देखिए, इस पॉइंट पर x की वैल्यू, ये जरूरी समझना था, 1 है 1 1, तो ये हो जाएगा 40, 2 × 20 × 1, तो इस तरह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 70, ये ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही 3a 2bx, 3a कितना है 10, 2b कितना है 20, अब x यहां पर कितना है 3 1 और 2, तो यहां पर x की वैल्यू इस जगह ओरिजिन से x की वैल्यू 3, तो इंटू 3, तो ये हो गया 30 प्लस ये कितना हो गया, बोलो 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 120, बोलो 40 × 30, तो ये हो गया 150 न्यूटन पर कूलम, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे ना, अरे 36 150, करेक्ट। अब फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, कोई नई बात नहीं है, फिर से कैसे देखिए, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5 1 + 5 2 + 5 3, 5 1 की वैल्यू कितनी है यहां पर देखिए, इस जगह ये 5 1 है, क्या हो जाएगा बताइए, E a cos 0, यहां पर बताइए क्या है, E a this is E1 this is E2 cos 180, ये तो 0 ही हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, देखिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, थीटा 90, तो ये तो 0 हो जाएगा, उसको लिखते नहीं बार बार। ई ए इसकी वैल्यू कितनी है 70, ए की वैल्यू चलो एरिया ही मान लेते हैं, दिस ए इज अलग, ये दिस वन एरिया एरिया ए, प्लस ये क्या हो गया E2 150 इंटू ए इंटू माइनस 1, तो ये क्या हो गया 70 ए माइनस 150 ए, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, समझ गए ना, तो कितना हो गया -80 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ये टोटल फ्लक्स आ गया।
समझ रहे हैं ना बात को। अब यहां पर ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, कैसे कि ए बी का अननोन वैल्यू रख देते हैं, ए बी का वैल्यू जैसे मैंने 10-20 लिया, लेते ही नहीं, वो ए बी के टर्म में ही आंसर निकलवाते और ये एरिया वेक्टर को कुछ और लिख देते, कुछ भी ए छोटा ए स्मॉल ए स्क्वायर या कुछ भी लिख सकते थे, बस समझ रहे हैं ना। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ये बिल्कुल आसान है, बहुत बढ़िया, कुछ ऐसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता था। अब हम इसी को, इस तरह को, इस प्रॉब्लम को ऐसे भी समझेंगे, कैसे कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी दे देते हैं, कैसे कि उन्होंने दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, कैसा, देखिए कि ये कह दिया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है 20 न्यूटन पर कूलम्ब अलोंग एक्स एक्सिस, ये दे रखा है करेक्ट, एंड एरिया ऑफ सरफेस ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि वाई जेड प्लेन में है, एरिया ऑफ द सरफेस वाई जेड प्लेन में, ठीक है। तो बताइए टोटल फ्लक्स कितना होगा किसी सिलेंडर का, किसी भी सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और एरिया इतना है, कोई सरफेस है नॉट सिलेंडर, कोई प्लेन है, सिंपल प्लेन है, और उसका एरिया कुछ मेंशन है, ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एरिया कुछ मेंशन है। अब क्या करेंगे, ऐसे बहुत सिंपल सा वन मार्कर क्वेश्चन है, देखिए कैसे 20 न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना है बताइए 20 आई कैप हो गया अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब, एरिया वेक्टर किधर है, एरिया जो सरफेस है वो वाई जेड प्लेन में, सरफेस किसमें वाई जेड प्लेन में, किसमें है वाई जेड, थोड़ा मुश्किल करूं कर देता हूं, सरफेस एक्स वाई प्लेन में, किसमें एक्स वाई प्लेन में। तो अब जब सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर कहां होगा बताएं, सरफेस एक्स वाई प्लेन में है, अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, नहीं समझे, सरफेस एक्स वाई प्लेन में है, सरफेस एक्स वाई तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर जाएगा ना, बोलो, वेरी गुड। तो एरिया वेक्टर कुछ भी हम ले लेते हैं, ए एक्स वाई, ठीक है, ओहो जेड में जाएगा ना, तो फ्लक्स पता करना है ई डॉट ए आई डॉट के 90 I dot K, so 20 I cap dot A K cap 0, I dot K perpendicular है 0। तो ये वन मार्कर क्वेश्चन है, देखा और आंसर कर दिया कि भाई ये x एक्सिस में ये y जेड में, तो इस सरफेस से, इस सरफेस है कोई प्लेन दे रखा है उससे कितना फ्लक्स पास होगा 0, सिंपल है। मतलब एक छोटे छोटे क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, जरा उसको भी समझ लेते हैं कैसा हो, कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन बहुत ही वांटेड क्वेश्चन है, कई सारी बुक्स में आपको मिलेगा, है ना, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल भी है। देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चों, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, एक क्यूब दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है बोलो, एक क्यूब दे रखा है, आसान सा क्वेश्चन है। इस क्यूब में ये क्यूब दे रखा है, ठीक है, अब उन्होंने क्या दे रखा है कि इस क्यूब को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है अल्फा एक्स की पावर हाफ आई कैप, और ये एक्स एक्सिस है, ई वाई जीरो है और ई जेड जीरो है, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। डरने की बात नहीं है कि ई वाई बी जेड दे रखा है, तो जीरो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है, सिंपल सी भाषा है, और एक क्यूब है ये रख दिया है। तो क्या कह रहे हैं बेटे, देखिए ये वाई एक्सिस है और ये क्यूब का ये जो एंड है ये वाला, ये ए डिस्टेंस पे है, क्यूब की अपनी साइड्स भी ए है, क्लियर है। तो आपसे ये कह रहा है कि आपको इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बता रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एंजॉय करेंगे आप इसको, ठीक है, एंजॉय करेंगे। इस क्यूब के पहले हम कितने एरिया वेक्टर हैं वो पता कर लेते हैं, कितने होंगे, देखिए जैसे ये क्यूब है, ये ऐसे रखा हुआ है, एक एरिया वेक्टर ये हो गया, एक एरिया वेक्टर ये हो गया, एक एरिया वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया। अब जरा देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बच्चों, कैसे है, ऐसे है, बोलो, तो ये वाला एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर,
ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, केवल ये दो बचते हैं सिर्फ, बाकी सारे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। ये बात समझ पाए? सिर्फ ये बचता है, ये और ये, बाकी देखिए आप कोई सा भी, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, एरिया वेक्टर ये, इसके नीचे वाला ये एरिया वेक्टर, ये फ्रंट वाला, बैक साइड, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। अब बचा कौन? ये, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स एक्सिस में। तो सिर्फ बचे कितने? दो। इसलिए मैं कंफ्यूजन साफ कर देता हूं बच्चे, ये सारा कंफ्यूजन साफ, सिर्फ दो बचे, बाकी सबका फ्लक्स हो गया जीरो, ठीक है। और दूसरी बात, क्या दूसरी बात? कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E2 होगा, यहां E1 होगा, अलग अलग क्यों होगा? क्यों? देखिए फिर से वही बात, अल्फा x की पावर हाफ i के, इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रहा, अल्फा अगेन इज सम कांस्टेंट, अगेन इज सम कांस्टेंट, हम उसकी वैल्यू भी कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं E1 की बात करूं कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए? अल्फा एक्स की वैल्यू ए है, ए की पावर हाफ, यहां ए है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस? एक्स। और अगर आप ई टू की बात करें तो ई टू कितना होगा? अल्फा एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? ये ए है और ये ए है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टू ए, टू ए की पावर हाफ। बोलो, और ये एरिया, इस क्यूब का सरफेस एरिया ए स्क्वायर, इस क्यूब का सरफेस एरिया ए स्क्वायर, डन, क्लियर है। बाकी सारे सरफेसेस का, बोलो, बाकी सारे सरफेस का फ्लक्स जीरो है, इसका इसका क्यों जीरो है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, सिर्फ दो बचते हैं। तो देखिए इसमें थीटा कितना है? जीरो। इसमें थीटा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, थीटा 180 है, 180 है। बोलो, तो बच्चा टोटल फ्लक्स कितना हो गया? फाइ वन प्लस फाइ टू, सिर्फ दो बच्चे, बाकी जितने हो जाएंगे सब जीरो। बोलो, तो देखिए फाइ वन, फाइ वन हम इसको ले रहे हैं इसको, तो क्या हो गया? देखिए E1 डॉट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर E1 डॉट ए स्क्वायर, तो सीधे सीधे लिख देते हैं कॉस जीरो, प्लस देखिए E2 ए स्क्वायर कॉस 180, किसके लिए? इसके लिए E2, E2 ए स्क्वायर एरिया इंटू कॉस 180, कॉस 180 नहीं है, ये है जीरो, ये है कॉस 180, ये है कॉस, ये वाला E1 कॉस 180 है, और ये कितना है? E2 कॉस, सॉरी E2 कॉस जीरो है। समझ रहे हैं बात को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है? अरे भाई ये E2 और ये A, तो E2 A cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया दोनों सेम, यहां देखिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो cos 180। देखिए ये E1 की वैल्यू अल्फा A की पावर हाफ और माइनस cos 180 की वैल्यू माइनस, ये क्या है? E2 की वैल्यू 2A अल्फा, समझ पा रहे हो ना? ओहो नहीं समझ पा रहे हो, अल्फा 2A इधर उधर करने से भी दिक्कत है, cos, ये cos cos 0 हो गया 1, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज लिख दैट। तो ये सिंपली क्या हो गया? देखो इसमें हो गया 2A की पावर हाफ इंटू माइनस ए की पावर हाफ, बाकी हम ए की पावर हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, छोड़ दीजिए। मेरे मैं कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं? अब इस बात को खत्म करते हैं, बस एक सवाल का जवाब दीजिए फटाफट कि इस केस में ऐसी कोई कंडीशन बताओ कि फ्लक्स जीरो होता, फटाफट बताइए, 1 2 3 बताइए। वेरी गुड, समझ गए आप, कब बताइए? कब?
जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ई आई कैप होता सिर्फ कांस्टेंट होता है, तो क्या होता है, ई1 और ई2 की वैल्यू सेम हो जाती, तो ये ई1 ई2 अलग नहीं होते, ए स्क्वायर एक माइनस एक प्लस होता जीरो, तो एक क्यूब से फ्लक्स जीरो भी हो सकता था, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेक्ट डिपेंड कर रहा है इसलिए नहीं है। ये वैसे ही जैसे हमने एक सिलेंडर का क्वेश्चन किया था, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो हमने इस तरह से फ्लक्स के 5-6 क्वेश्चन किए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको कई बार करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, आप चाहें तो आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल हैं, उनको करिए और उनको करने से भी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन एक और है जो मैंने कराया है उन्हीं में से, तो वो क्वेश्चन करिए, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और क्या एरिया वेक्टर का कंसेप्ट है, कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखते हैं बच्चों। इसी के साथ अब हम अगली क्लास में गॉस थ्योरम की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले जो फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग थी बहुत जरूरी थी जो आपने कंप्लीट की, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में गॉस थ्योरम के साथ, धन्यवाद।